अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सब कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही सस्ता सा नुस्खा लेके आई हूँ मोटापे के लिए जो मेरी बहनें और भाई मोटापे से परेशान हैं और परेशान हो के थक चुके हैं कि मतलब डाइटिंग कर कर के जिम जा जा वो मोटापा उनका बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा तो ये देखें ये सस्ती सी चीज़ जो हमारे पास किचन में मौजूद होती है आप यकीन जा रहे आप इसको जो है जो जो मैं आपको कहवा बना बताऊँ इसका बना के अब वो आप उसको डेली यूज करें यकीन जाने आप थोड़े ही दिनों में अपने देखेंगे कि आप जो है आपका वेट बहुत तेजी से कम होगा और जो है आपकी एक्स्ट्रा जो चर्बी है वो ऐसी पिघल जाएगी जैसे कि मोम तो उसके लिए आपने जो है सबसे पहले तो ये काम करना है मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है क्योंकि आज की वीडियो छोटी सी और बहुत ही फायदेमंद सी साबित होने वाली है आप लोग बहुत जो है इसका जो ध्यान से देखिएगा और इसको आपने डेली करना है और इसमें कोई चीज़ नहीं ऐसी है देखिए सिर्फ और सिर्फ ये साबुत धनिया है सूखा धनिया जो हमारे पास किचन में मौजूद होता है इसी से ही जो है हमने एक कहवा तैयार करना है और वह कहवा आपने जो है डेली पीना है जिससे आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होगा तो फिर चलते हैं बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने देखिए बर्तन ले लिया था उसमें मैंने एक गिलास भर के इसमें पानी डाला ठीक है एक गिलास भर के मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया अब देखिए पानी में जो है बबल आने शुरू हो चुके हैं तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये साबुत धनिया जो मैंने लिए दो टीस्पून भर भर के मैं इसमें डालूँगी ठीक है इसमें एक अभी भी मैंने डाल दिया दूसरा मैंने ये भी डाल दिया अब इसको हमने इतनी देर पकाना जितना हमने जो पानी लिया था ना ये बिल्कुल आधा रह जाए हमने इसको इतनी देर पकाना है और देखें कोई भी चीज़ नहीं ऐसी शामिल करी है मैंने इसमें जो आप परेशान हो के जो है ये देखें ये वो चीज़ जो हमारे पास किचन में मौजूद होती है बहुत मसालों में भी हम डालते हैं बहुत सस्ती सी एक दफ़ा आप ला के रख लो और आपने डेली जो है इसका कहवा बना के पिया आप सुबह में आप ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगे और बल्कि आप कह बल्कि आप सोचेंगे कि हम इससे पहले हमें ये वाला नुस्खा क्यों नहीं पता चला फजूल में आप जो जो है इतना टाइम आपने जाया किया ठीक है तो ये देखें पकते हुए जो है इसको थोड़ा सा ये अच्छा सा पक रहा है इसको हमने अभी और थोड़ी देर पकाना है तो ये देखें पकते हुए तकरीबन टाइम हो चुका है अब ये जितना हमने पानी लिया था उतना आधा रह चुका है अब हम इसको छान के निकाल लेते हैं कप में तो ये देखिए मैंने कप में निकाल लिया अगर आप इसमें चाय फ्लेवर के लिए तो शहद ऐड कर सकते हैं वन टीस्पून या इसमें जो हाफ़ जो है नींबू भी डाल सकते हैं लेकिन अभी मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करा आपने सुबह नार मुँह पीना है और तकरीबन डेली आप पियेंगे तो पंद्रह दिन में जो है फ़र्क महसूस होगा इन आपको जो है इस रेमेडी से फ़र्क पड़ेगा और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की छोटी सी और सस्ती सी रेमेडी आप लोग को कैसी लगी और रेमेडी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और इसको आज़माएँ और जो है मुझे रखिएगा दुआओं में याद बहुत ही आसान सा सस्ता सा देखें कोई मुश्किल नहीं है इसमें कोई झंझट नहीं है सिर्फ और सिर्फ जो है साबुत धनिया का हमने केवा बनाया और उसको नीम गर्म हल्का सा नीम गर्म जैसे चाय पीते हैं उस तरह का आपने ये पीना है ठीक है तो इंशाल्लाह त कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ जब तक के रखिएगा अपना ख्याल अल्लाह हाफि